turn on notification bell. Don't miss latest update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी की जो ओपन रैली होती है ये अगले 2 मंथ में किस किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, आपको इस वेब पेज पर आना है, यूनिक फ्रेंड के नाम से वेब पेज है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पेज पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको लास्ट डेट भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट है 16/10/2017 यानी कि आज। और जो स्टेट नेम असम है, तो असम की जो डिस्ट्रिक्ट नेम है ये है, और जिसमें लास्ट डेट है 24/11/2017 है। अब बिहार है, इसमें गोवा है, हिमाचल प्रदेश है और लक्षद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इन किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप किस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको इस वेब पेज पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ से आने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो क्लिक हियर टू ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्चर कोड आ जाएगा, ये जो आपके सामने कैप्चर कोड है इसको कैप्चर कोड कहते हैं। अब आपको ये फिल इस कॉलम में करना है, करने के बाद एंटर वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब आप जैसे भरेंगे, तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एंटर वेबसाइट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आपको आने के बाद अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इसमें थोड़ा सा डाउन आना है। डाउन आने के बाद यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है JCOOR, यहाँ पर इस पर आपको इसके यहाँ पर सामने आने के बाद अप्लाई और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, जो ये लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने, अगर आपने पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको ओनली ये कॉलम भरने हैं, जैसे कि आप यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, आपकी जो प्रोफाइल है आपके सामने ओपन हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको जो मैंडेटरी कॉलम है जहाँ पर स्टार बना हुआ है, आपको ये भरना आवश्यक है। अगर आपने ये प्रोसीजर नहीं कम्प्लीट किया हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब उसमें आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, पहले आपको यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद अब देखिए आपसे यहाँ पर, जैसे कि आधार कार्ड, अब आपसे जो जो डिटेल मांगी जाएगी इसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको आधार कार्ड भरना है यहाँ पर इसमें, फिर आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम, फिर मदर का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर 10th मार्कशीट और ईमेल आईडी, आपको सभी डिटेल, मोबाइल नंबर, आपको सभी डिटेल इसमें भरनी है। भरने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री, यानी कि जो इसका चिक बॉक्स है इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर इनकी आपकी सभी डिटेल आ जाएगी, यूज़र नेम और पासवर्ड आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको अगर डायरेक्ट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो मैंने अभी डिटेल बताई है इस पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्लिक टू अप्लाई पर डायरेक्ट क्लिक करें और यहाँ पर सेम प्रोसीजर में जो मैंने बताया आपको ये कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।